आइए चलते हैं, पहले कॉलर को अपने शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते हैं कौन लाइन पर है। सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, जी, सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं सिकंदर डिस्ट्रिक्ट बुलंद से सिकंदराबाद से बोल रहा हूँ, मोहम्मद राशिद। जी मोहतरम, सवाल बताइए। हाँ सर, मुझे मुफ्ती साहब से ये पूछना है कि मैं बकरा लेने जा रहा था जी तो कुछ पैसे मेरे पास कम थे, जी बताइए बताइए। तो कुछ पैसे मैंने अपनी वाइफ से ले लिए, जी तो क्या मुझे वो वाइफ को लौटानी है? ठीक है, ऋषि साहब ने सवाल किया है कि बकरे के लिए पैसे खरीदने के लिए कम थे तो फिर बदल लिए हैं, वाली साहब से क्या इसको बदलाना है, क्या है? देखिए देखिए, आपने जो कुर्बानी के मौके पर रकम अपने किसी भी अजीज़ व अक़रीबा से ली है तो ये क्या काबिले अदा है या नहीं है, तो देखिए दो नौीयतें हैं उसकी। आपने ख़ुद अगर उनसे ख्वाहिश करके ली है तो यकीनन आप पर लाजिम है कि आप उस रकम को अदा करें। हाँ अलबत्त उन्होंने आपको तआवुन के तौर पर दिया है, बतौर कर्ज़ के नहीं, बल्कि वो अपनी तरफ से आपको हिबा कर दिए हैं, तो फिर हिबा या कोई गिफ्ट करता है तो आप उसको कबूल कर लेते हैं, तो वो आपकी मिल्कियत में आ जाती है, उसको लौटाना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ अलबत्त आपने नहीं मांगा, उन्होंने खुद ही दिया है, लेकिन उसकी हैसियत हिबा की नहीं थी, बल्कि वो ये कहकर दिए थे कि भाई आप चूंकि कुर्बानी का जानवर लेने जा रहे हैं इसको इस्तेमाल कीजिएगा, बाद में दे दीजिएगा, तो यकीनन वो रकम आपके लिए वाजिबुल अदा है, वो उनकी तरफ से कर्ज़ है, तो कर्ज़ के तौर पर ली गई रकम वाजिबुल अदा है। हिबतन अगर दी जाती है तो वो वाजिबुल अदा नहीं रहती है, लेकिन हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने एक बात इरशाद फरमाई है, तहारु तहाबू, अगर हदीयतन भी कोई देता है तो महज़ लेने वाले ही ना बने बल्कि हदीये का तबादला करना चाहिए, और हम भी कोशिश करें कि रकम की शक्ल में ना सही तो किसी और शक्ल में हदीये का तबादला हो जाए ताकि मोहब्बतों में इज़्दियाद और इजाफा हो। जी